बुरी तरह से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया 10 विकेट से इंग्लैंड ने हराया। यूट्यूबर गौरव तनेजा बेच रहे हैं फाइनल का टिकट। T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत को बुरी तरह से हराकर इंग्लैंड ने फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में रविवार को खेला जाएगा। एडिलेड के एडिलेड ओवल में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। इंग्लैंड को 170 का टारगेट बगैर किसी विकेट के 16 ओवर में हासिल कर लिया। जोश बटलर 49 गेंद पर 80 और एलेक्स हेल्स 47 गेंद पर 86 रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया की बुरी हार के बाद फ्लाइंग बिस्ट के गौरव तनेजा ने हैरान कर देने वाला रिएक्शन दिया है। गौरव ने जो कहा उससे पहले जनता की रिएक्शन देखते हैं। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने ट्वीट किया, चलो अंतिम भविष्यवाणी, इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा, इंग्लैंड ने मैच जीता, भारत ने दिल। सोनल राठौर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत को मैच बंद कर देना चाहिए, जितने पैसे मैच में लगते हैं उतने भारत के लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में लगा देना चाहिए। यथार्थ इंडियन नाम के ट्विटर यूजर ने कहा, इंग्लैंड ने दिल और मैच दोनों जीता, जबरदस्ती देशभक्ति की कोई जरूरत नहीं, खेल खेल होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। मंजूल नाम के शख्स ने ट्वीट किया, टीम की हार से दिल दुखी है, पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कोई एक टीम हारे, उसके बाद इंग्लैंड में दंगा हो जिससे भारत पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स भड़काए, इन सारी संभावनाओं को रोकने के लिए इंग्लैंड के पास और कोई रास्ता नहीं था शायद। आनंद कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने भारतीय टीम के बुरी तरह हारने पर कहा, लगता है भारत ने आज इंग्लैंड से हारने का मन बना लिया है, ऐसी घटिया बॉलिंग और पावर प्ले में ऐसी वाहियात बैटिंग के बूते सेमीफाइनल तक पहुंच गए, यही काफी है। इंग्लैंड ओपनर टीम इंडिया के बॉलरों को बच्चों की तरह पीट रहे हैं, वैसे भी पाक से हारने से ये हार बेहतर होगी। वही चर्चित यूट्यूबर फ्लाइंग बिस्ट के गौरव तनेजा ने मैच के बाद कहा, भाई फाइनल की VIP टिकट है, किसी को चाहिए हो तो बता देना। बताते चले टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद पर 63 रन बनाए। विराट कोहली ने 40 गेंद पर 50 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, पहली ही गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत करने वाले KL राहुल को दूसरे ओवर में क्रिस वॉक्स ने पवेलियन भेज दिया, उन्होंने 5 रन बनाए। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 47 रनों की साझेदारी हुई। आप भारत की इंग्लैंड से हार के बाद गौरव तनेजा के इस ऑफर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।